फ्रेंड्स, आई एम अमित कपूर। पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने शनि का धनु राशि में ट्रांजिट। 26 जनवरी 2017 से आने वाले 2.5 सालों तक शनि का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा, खास करके सिंह लग्न के लिए। मेरी ये भविष्यवाणी किसी चंद्र राशि पर नहीं है, किसी सूर्य राशि पर या किसी ज्योतिष साइन पर नहीं है। ये मेरी भविष्यवाणी आपके लग्न पर आधारित है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट दिस, माई ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन एंड नॉट फॉर योर ज्योतिष साइन। So let's start for the Leo ascendant people. For Leo ascendant people, being a lord of 6th and 7th house, Saturn started transit in your 5th house. 5th house is a house of your study, love affairs, speculations, gains, because it's a 7th house from the 11th. So guys, ye period shani ka transit single lagan ke logon ke liye itna zyada rewarding nahi rehne wala, lekin trikon mein shani ki presentation aapke maan samman mein vriddhi karegi, aay ke sadhan kholegi, gains karegi. You will be blessed and gains from the so many sources. The period is highly beneficial and rewarding for you, but you be careful about your love affair. If you have any type of love affair right now, तो ये समय ब्रेकअप होने का, लड़ाई झगड़ा होने का, शादीशुदा लोगों के लिए भी बीवी से तनाव होने का, अगर आपकी कोई प्रेमी प्रेमिका है तो उनसे संबंधित भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए शनि की यहाँ पे प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनके लिए सात मुखी रुद्राक्ष गले में डालना स्टडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हर इंसान के लिए शनि का प्रभाव उसके खुद के नेटल चार्ट के शनि की डिग्री के ऊपर आधारित है। सो गाइज, अपने आसपास कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उनसे शनि की प्लेसमेंट के बारे में पूछें, आपको ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एज पर माई दिस ट्रांजिट वीडियो, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपके लिए हनुमान जी की भक्ति करनी, ट्यूसडे नाइट हनुमान जी के मंदिर जाना, उनको लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 8 किलो चने की दाल हर वीरवार को धर्मस्थान में दान करना आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा, जिसमें आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ेंगे। लेकिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना अवॉइड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्गूमेंट्स नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए शनि की यहाँ पर प्लेसमेंट अग्रेशन लाएगी, आपके अंदर गुस्सा लाएगी। तो जितना ज़्यादा आप काम होकर चलेंगे, भगवान की भक्ति में रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आपको शनि की ये ट्रांजिट अच्छा फल देगी। सो गाइज, नो मोर अबाउट दिस ट्रांजिट, सैटर्न ट्रांजिट एंड सैजिटेरियस, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू।